हेलो फ्रेंड, मैं अहमद कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पैन कार्ड के बारे में कि आप पैन कार्ड का पोर्टल कैसे ले सकते हैं और या फिर पैन कार्ड कहाँ से बना सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो आप पैन कार्ड बनाएंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट से बना सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो दो है, एक NSDL है, एक UTI है। गूगल पे आप नॉर्मली सर्च करोगे UTI, लिख के तो UTI की ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर आ जाएगी। और आगे UTI पैन कार्ड लिखोगे तो आपके सामने ये सीधा डैशबोर्ड पैन कार्ड अप्लाई करने का खोल कर आ जाएगा। और एक और वेबसाइट है NSDL, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे NSDL लिख के तो आपके सामने ये वेबसाइट खोल कर आ जाएगी। और NSDL पैन कार्ड लिखोगे तो डायरेक्ट ये पैन कार्ड वाला फॉर्म खोल कर आ जाएगा। आप यहाँ से नॉर्मली पैन कार्ड बना सकते हो। NSDL से जो पैन कार्ड बनाओगे उसकी फीस है 107 रुपये। 107 रुपये में आपका यहाँ पैन कार्ड बन जाएगा। और यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हो पैन कार्ड में, ठीक है। यहाँ से आप पैन कार्ड की सारी चीज़ें कर सकते हो NSDL से। और यहाँ पे UTI से भी आप ये सारे काम कर सकते हो। UTI वाली वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पे अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे करोगे तो पैन कार्ड का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। पैन कार्ड यहाँ पे भी आपको 104 या 107 रुपये में पैन कार्ड आपका बन जाएगा। यहाँ से भी करेक्शन हो जाएगी। ये दोनों वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट से आप कर सकते हो। और आगे मैं आपको बता दूं, आप किसी पोर्टल के चक्कर में ना पड़े। पोर्टल जो मिलता है उसके बारे में आपको बता दूं, तो पोर्टल जो है थर्ड पार्टी लोग देते हैं कुछ। वो क्या करते हैं, आपको ये UTI की वेबसाइट होती है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ID पासवर्ड देते हैं। जब उस ID पासवर्ड पे लॉगिन करोगे तो आपको बस कुछ नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट ये पैन कार्ड का लिंक मिल जाता है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपको कुछ टोकन का हिसाब देते हैं, तो आपको जो है वहाँ टोकन खरीदना पड़ता है। टोकन किस लिए, मतलब एक टोकन खरीदोगे तो एक पैन कार्ड अप्लाई कर पाओगे। टोकन जो है वो 100 रुपये का देते हैं, 100 या 110 रुपये के आसपास का वो टोकन देते हैं। तो इसके चक्कर में अपना ही पड़े तो मैं बताऊँ, आप नॉर्मली वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बना सकते हो, उसके चक्कर में झंझट बेकार है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा आप कहीं से पोर्टल ना ले, कोई दे भी रहा हो तो आप सीधे वेबसाइट से बना सकते हैं। और इसके लिए मैं आप वीडियो बना के दूंगा आपको, पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करनी है और न्यू पैन कार्ड कैसे बनाना है। और NSDL से भी बताऊंगा आपको और UTI से भी बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना जरूर, आगे वीडियो आएंगी जरूर, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ, अगर आप इन दोनों से भी नहीं बनाना चाहते हो तो आप CSC सेंटर ले सकते हो। CSC सेंटर ले लोगे तो आपको वहाँ पे जो है पैन कार्ड का डायरेक्ट लिंक बन जाए मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ से भी पैन कार्ड बना सकते हो, पर वहाँ पे आपका ये फ़ायदा होगा, आपको जो है वहाँ पे कमीशन भी मिलेगा। तो आप CSC ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पैन कार्ड ही नहीं बहुत चीज़ें में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ से कमीशन मिलेगा, वहाँ पे ये फ़ायदा कमीशन का हो जाएगा। और 107 रुपये में आप यहाँ पैन कार्ड बना सकते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप CSC से पैन कार्ड बनाते हो या पोर्टल से बनाते हो या कहीं से भी पैन कार्ड बनाते हो तो आपको फॉर्म तो पूरा ही भरना पड़ेगा, यानी मेहनत तो उतनी लगेगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये आप ये मत सोचना कि आपको पोर्टल मिल जाएगा तो डायरेक्ट ही आप बस एक क्लिक में पैन कार्ड बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इस वीडियो में इतना बताना था कि आपको किस कहीं से पैन कार्ड के पोर्टल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पैन कार्ड बना सकते हो या CSC सेंटर ले सकते हो, वहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको कमीशन भी मिलती है, तो वहाँ से पैन कार्ड बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे इस वीडियो में यही बताना था। और हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा पैन कार्ड कैसे बनाना है दोनों ही वेबसाइट से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।